नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। दिल्ली में आज करीब 10 महीने के बाद स्कूल खोले। कोरोना के घटते संक्रमण और वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं। बच्चे पहुंच रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले राजधानी में 10वीं-12वीं के स्कूल खुल चुके हैं, जहां पहले दिन बच्चे पहुंचे तो काफी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की 12 सीटों पर नामांकन के लिए आज आखिरी दिन बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जबकि सपा की ओर से दोनों प्रत्याशी पहले नामांकन कर चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को कोहरे के साथ हल्की बारिश की संभावना। शहर का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। वेब सीरीज तांडव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब इसी मुद्दे पर मुंबई में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,790 नए मामले दर्ज किए गए। वायरस से 145 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई है। महिला ने शक से 6 लाख रुपए ले लिए और फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, महिला की तलाश शुरू की। फतेहपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा कार की चपेट में आए एक बाघ की मौके पर ही मौत हो गई है। बाघ की मौत की खबर जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों को लगी तो मौके पर आनन फानन में वो सभी पहुंचे। शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही टक्कर मारने वाली इनोवा गाड़ी को भी जब्त किया गया। लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास एक ट्रेन डिरेल हो गई है और 2 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। एक बड़ा हादसा हुआ था लेकिन वो बच गया। ऐसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद अब कोटा में कोचिंग क्लासेस आज से शुरू हो गई। कोविड के चलते 10 महीने से बंद कोचिंग संस्थान में क्लासेस 18 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। फिलहाल प्रशासन ने पूरी तैयारी की। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने नवजात शिशुओं को बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 7 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह 60,000 रुपये में लड़की और 1.5 लाख रुपये में लड़के को बेचता था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत 24 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल में भी 23 से 25 पैसे तक की कीमत बढ़ी। रुड़की में प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे प्रेमिका के 2 मासूम बच्चों को शख्स ने नदी में फेंक दिया। एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई जबकि दूसरा लापता। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में बदमाशों ने कार सवार शराब व्यवसायी और उसकी महिला मित्र को गोली मारकर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदमाशों की तलाश शुरू की। और वहीं आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फर्जी दस्तावेज लगाकर 12 लाख रुपए की रकम को हड़पने वाले जीजा साले को गोमती नगर पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। पंजाब में जमीन विवाद में मिट्टी का तेल डालकर जलाई गई फौजी की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला ने मौत से पहले पुलिस को जो बयान दर्ज करवाया था उसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में महिला ने बताया कि पड़ोसी ने उसे बंधक बनाकर आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। और वहीं भदोही में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक वृद्ध की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर सहित शव को कब्जे में ले लिया, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। आजमगढ़ में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी कर हुक्के बार का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस की छापेमारी से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से कई युवाओं को हिरासत में ले लिया है। इनमें कुछ युवतियां भी बताई जा रही हैं। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक सिपाही और एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और नकदी की बरामद। गोंडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ हाशमी की करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली है। जब्त हुई संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, मकान की जमीन और एक इंटर कॉलेज की जमीन शामिल। कैथल के सिवान से लापता स्कूल पार्टनर की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में परिजनों से पूछताछ कर रही है। बिग बॉस शो में अब तक 106 दिन बिताने वाले एजाज अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से एजाज को बीच में ही शो छोड़ना पड़ा। बिग बॉस खबरी की माने तो एजाज अपने शूट खत्म कर बिग बॉस में वापस आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। तब्बू ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सभी फॉलोअर्स और फैंस को इस बात की जानकारी दी और साथ ही सचेत रहने के लिए भी कहा। करण जौहर और उनकी टीम ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम लिगर है। फिल्म में सुपरस्टार विजय और अनन्या पांडे नजर आएंगे। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।